बिहार में महागठबंधन की सरकार, घमंडी सरकार, ये जो इंडियन अलायंस है जिसको प्रधानमंत्री घमंडी अलायंस कहते हैं, ये अपराधियों को नहीं पकड़ रही बल्कि सरकार के विरोध में जो दल है उनके नेताओं पर लाठी चला रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे बिहार में तो घमंडी सरकार है, ये अपराधियों पर नहीं बल्कि अपने विपक्षी दलों पर लाठी चलाते हैं। अपराधी तो इनसे पकड़े नहीं जाते हैं, बल्कि जो लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनका आवाज़ दबाते हैं और उनके ऊपर ये लोग लाठियाँ भाँजते हैं। कुछ इस तरह से बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार पर हमलावर बोला है। बता दें कि भागलपुर पहुंचे शाहनवाज हुसैन सबसे पहले इंडिया अलायंस पर जमकर बरसते हैं। कहते हैं यहां जितने भी ठगी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, वो मिलकर के अलायंस बनाए हैं। इनके अलायंस बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। 2024 में तो नरेंद्र मोदी ही आएंगे, 2025 में भी बिहार में बीजेपी ही आएगी और बिहार की जो सरकार है वो घमंडी सरकार है। अगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, अगर इनके खिलाफ कोई नारेबाजी करता है या प्रदर्शन करता है तो ये उसके ऊपर लाठियाँ भाँजते हैं, ये उसके ऊपर लाठियाँ बरसाते हैं। अपराधी तो इनसे पकड़े नहीं जाते। देखिए आए दिन बिहार में किस तरह से अपराधियों ने अपने हौसले को बुलंद कर रखा है। आए दिन बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बिहार पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचकर, किस तरह से उन्होंने इंडिया अलायंस और साथ ही साथ नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है, उनकी तमाम बातों को सुनिए। सरेआम गोली चलती है, अपराध और अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है, उन पर तो कार्रवाई हो नहीं रही लेकिन धरना देने पर कार्रवाई हो जाती। आज ये जो सरकार है बिहार में महागठबंधन की सरकार, घमंडी सरकार, ये जो इंडियन अलायंस है जिसको प्रधानमंत्री घमंडी अलायंस कहते हैं, ये अपराधियों को नहीं पकड़ रही बल्कि सरकार के विरोध में जो दल है उनके नेताओं पर लाठी चला रही है। अरे ये लाठी अपराधियों के पीठ पर चलाओ, उनको पकड़ो, ये ताकत कब तक की है? ये 2025 में तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। 24 में तो मोदी जी आएंगे ही, इसलिए अब अधिकारियों को ये जान लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी जीरो एमपी की पार्टी राजद की तरह नहीं है। राजद के जीरो एमपी हैं लेकिन कितना बातें करते हैं वो। हमारे आज बड़ी तादाद में एमएलए हैं, एमपी हैं, एमएलसी हैं, सब में हमारी संख्या बड़ी। तो इस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता को तन्हा समझने का गलती न करे प्रशासन। भारतीय जनता पार्टी सौहार्द चाहती, अमन चैन चाहती। अगर हमारे जिला अध्यक्ष मुक्ति निषाद जी उस दिन पूरी कोशिश न करते तो जो सौहार्द अमन बना उसमें बीजेपी का बड़ा रोल था, प्रशासन तो हाथ उठाए हुआ था। हम किसी भी शर्त पर सौहार्द चाहते हैं, अमन चाहते हैं, क्योंकि तरक्की तभी होगी जब शांति होगी, स्वार्थ होगा। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस रास्ते पर चलते हैं।